गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं कुछ टर्मिनोलॉजी की मीनिंग और उसके कंटेंट्स को अपलोड किया था, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आते हैं कट ऑफ ग्रेड पर। 5 नंबर का जो है कट ऑफ ग्रेड किसे कहते हैं, ये चीज जो है आपको जानना बहुत जरूरी है, इससे प्रश्न पूछ सकता है। तो यहाँ पर इसको चालू करने के पहले मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो यूट्यूब चैनल है उसको आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और उनको भी कहिए कि सब्सक्राइब करें। साथ ही जो है आपको अगर नए कैंडिडेट हैं तो आप बेल आइकन दबाइए और बेल आइकन दबाने के साथ ही आपकी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी और उसका स्टडी करके आप एग्जामिनेशन को जरूर निकाल पाएंगे, अपने सीट को पक्का कर पाएंगे, जॉब को पाएंगे फ्रेंड्स। और डीजीएमएस के जो एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स हैं, लेजिस्लेशन के या माइनिंग सरदार ओवरमैन के, वो भी कैंडिडेट्स अपनी इस वीडियो की सीरीज को देखने के लिए कंटिन्यू जो है आप सब्सक्राइब करने के लिए फ्रेंड्स को बोलिए। ठीक है फ्रेंड्स, अपने आते हैं कट ऑफ ग्रेड पर। जो ग्रेड होती है, जो कोयले की ग्रेड होती है, वो हम लोग कोकिंग कोल और नॉन कोकिंग कोल, कोकिंग कोल को एस परसेंटेज के आधार पर डिवाइड करते हैं और नॉन कोकिंग कोल को हम लोग किसके आधार पर, किलो कैलोरी जो कि हम लोग किलो कैलोरी पर, कैलोरीफिक वैल्यू पर जो है, जो कि हीट जनरेट के आधार पर जो है हम लोग क्लासिफाई करते हैं। जो कोकिंग कोल होती है उसका हम लोग क्लासिफाई जो करते हैं उसको हम लोग स्टील ग्रेड फर्स्ट जो रहती है वो 15% तक जब एस रहता है, एस 15% से कम, 15% तक रहता है, 15% से कम, लेस देन 15% है। उसी तरह से हम लोग स्टील ग्रेड सेकंड की बात करते हैं तो ये 15 से 15 to 18% होता है, क्या चीज, एस। और ये पहली नंबर हो गई, दूसरी नंबर हो गई, तीसरी नंबर जो होती है वासरी ग्रेड फर्स्ट की जब बात करते हैं तो ये 18 से 21% तक एस रहती है, 18 से 21%। चौथी नंबर में जो होती है वासरी ग्रेड सेकंड की जब बात करते हैं तो वो जो है होती है 21 से 24%। और पांचवी जो होती है वासरी ग्रेड थर्ड की जब बात करते हैं तो ये जो है 24 से 24 से 28% के बीच में होती है। और छठवीं जो है वासरी ग्रेड फोर्थ की जब बात करते हैं तो वो 28 से 35% के बीच में होती है। जहां तक है नीचे की दिखाई दे रही होगी, मैं आपको नीचे देख करके देखता हूं तो 28 से पांचवी ग्रेड जो आपको दिखाई दे रही है यहां पर, ये चौथी ग्रेड दिखाई दे रही है, ये जो है 28 से 35% तक का जो एस रहता है तो उसको हम लोग वासरी ग्रेड फोर बोलते हैं। तो यहां पर आपने देख लिया क्या चीज कि कोकिंग कोल का क्लासिफिकेशन किस आधार पर करते हैं। यहां पर नॉन कोकिंग कोल का अगर क्लास में मैं मिटा देता हूं, जहां तक है आप रीड कर लिए होंगे, फिर से बार बार वीडियो को रिपीट करके आप रीड कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, इस पर प्रश्न आपका आ सकता है। ठीक उसी तरीके से जो नॉन कोकिंग कोल होती है, नॉन कोकिंग कोल का अगर क्लासिफिकेशन हम लोग अगर करते हैं तो ये जो है किलो कैलोरीफिक वैल्यू पर आते हैं, जिसमें हम लोग ग्रेड ए की जो होती है वो 6200 किलो कैलोरी पर केजी, 1 केजी कोयला को जलाने पर जब इतनी अपनी हीट निकल रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेड ए, 6200 से अधिक। उसी तरह से ग्रेड जी तक जाती है जिसकी हम लोग 1250 किलो कैलोरी पर केजी से कम की बात करते हैं, तो इसकी आप जो है ईएमटी में स्टडी कर लीजिएगा और दिमाग में आप बैठा लीजिएगा। लेकिन यहां पर आपको पढ़नी क्या है, कट ऑफ ग्रेड, वह डेप्थ। आप कोयले की ग्रेड क्यों जानते हैं, उसकी वैल्यू जानने के लिए। जितनी अच्छी कोयला होगी उतना अच्छा आपको उसका सेल करने पर वैल्यू मिलेगा,
पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर एक ऐसी डेप्थ आती है सर्टेन डेप्थ पर जहां पर जो है कोयले को बेचने पर जो इस ग्रेड की कोयला आप निकाल रहे हैं उस ग्रेड की कोयले को निकालने पर वो आपकी एक्सपेंस और इनकम दोनों इक्वल हो जाती है। तो उस डेप्थ तक का जो कोयले का ग्रेड है उस ग्रेड को ही हम लोग बोलते हैं कट ऑफ ग्रेड, उस डेप्थ का ही जो है कोयले को हम लोग बोलेंगे कट ऑफ ग्रेड। तो एट ए डेप्थ वेयर दैट एक्सट्रैक्टेड ग्रेड ऑफ दैट वेयर द वैल्यू ऑफ एक्सट्रैक्टेड ग्रेड ऑफ कोल इज इक्वल टू द एक्सपेंस ऑफ रिमूवल ऑफ क्यूबिक मीटर ऑफ ओबी दैट डेप्थ ऑफ ग्रेड ऑफ कोल इज कॉल्ड कट ऑफ ग्रेड। एग्जाम्पल जैसे सी ग्रेड होल की कट ऑफ डेप्थ यहां 85 मीटर की डेप्थ पर सी ग्रेड की जो कोयला आप निकाल रहे हैं वो जो है आपकी कट ऑफ ग्रेड कहलाएगी फ्रेंड्स। तो हर ग्रेड की कोयला के लिए अलग अलग डेप्थ एक अप्रोक्स निर्धारित की गई है, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो यहां पर आपने कट ऑफ ग्रेड समझा। इसके अलावा और भी टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोग अपने जो दिखाई दे रही है इस स्क्रीन में शेयर करने वाला हूं उस स्क्रीन के तहत हम लोग स्टडी करने वाले हैं जिसमें आपके सामने दिखाई दे रही होगी जो ये प्रश्न है। मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ये रही आपके सामने स्क्रीन, देखिए क्या कहता है। तो कल हम लोग इसकी स्टडी कर चुके थे बेंच फेस की। मेरे कर्सर के साथ अपनी नजर को मूव करिए जिसमें आपको दिखाई दे रही होगी बेंच फेस बेंच एंगल पिट स्लोप एंगल अल्टीमेट पिट स्लोप एंगल। तो जिसमें आप ये एंगल मेड बाय द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द क्रेस्ट ऑफ टॉप बेंच एंड टो ऑफ द बॉटम मोस्ट बेंच टू दी होरिजेंटल लाइन, मतलब कि एंगल जो इमेजिनरी लाइन बनाती है वो इमेजिनरी लाइन जो कि क्रेस्ट से टॉप बेंच के क्रेस्ट से बॉटम बेंच के टो के बीच जो मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन होती है और जो वो इमेजिनरी लाइन होरिजेंटल लाइन से जो एंगल बनाती है उसको अल्टीमेट पिट स्लोप एंगल कहते हैं, जिसको कहा गया है कि 37.5 डिग्री से अधिक नहीं होनी चाहिए। बैंक वीट बता दिया था। यहां पर ड्रिलिंग पैटर्न जो होती है वो कल बताया था कि होल डाया का जो होता है वो h/80x1000 डिपेंड अपॉन रॉक स्ट्रेंथ, यानी कि जो हाइट ऑफ बेंच होती है वो आपकी जनरली हम लोग इस चीज को मैं समझाने का प्रयास करता हूं बोर्ड के थ्रू जो कि आपका कहलाता है आप जो कैलकुलेट करते हो रेगुलेशन में आप पढ़े हुए हो 106 में क्या पढ़े हुए हो 106 में कि जो बेंच की हाइट होगी ये जो बेंच की हाइट जो होती है वो मशीन के डिगिंग हाइट से अधिक नहीं होगी। तो पहला चीज आ रहा है यहां पर क्या चीज डिगिंग हाइट ऑफ मशीन। तो आप डिगिंग हाइट ऑफ मशीन के आधार पर क्या डिसाइड करते हो, दूसरा जो है बेंच हाइट कैपिटल एच डिसाइड करते हो। अब बेंच हाइट जब डिसाइड कर लेते हो तो तीसरी चीज में हम आप डिसाइड करते हो डाया ऑफ होल।
तो डाया ऑफ होल जो होती है कैपिटल डी से अगर शो करें तो ये मैं कह रहा हूं कि एच इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 80, यानी कि हाइट अगर आपकी 20 मीटर है हाइट अगर आप इसकी 20 मीटर बेंच की आपने डिसाइड कर लिया है तो इसको आप एमएम में कन्वर्ट करिए तो 1000 mm हो जाएगी, ये जो है 1000 mm हो जाएगी अगर ये जो है आपकी 20 मीटर है तो आप ये इसको 80 से डिवाइड करो तो ये 0 से 0 कट जाएगी, 2 चौक 8 हो जाएगा और 4 250 आएगी, यानी कि 250 mm का आप यहाँ पे होल लगाओगे, 250 mm का डायमीटर जो होगी आपकी होल की 250 mm होगी, डायमीटर की बात कर लिया आपने। अब यहाँ पर जैसे ही आप डायमीटर निकालते हो तो आप जो है डायमीटर के आधार पर निकालते हो बर्डन। तो बर्डन जो है निकालने के लिए जो हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक मीडियम, इसको मैं ऊपर लिखने की कोशिश करता हूं, बर्डन निकालने के लिए तो जब आप पहला नंबर में आप निकाल लिए हो क्या चीज डिगिंग हाइट, दूसरा नंबर निकाल चुके हो बेंच हाइट, तीसरा नंबर निकाल चुके हो डायाफोल, चौथे नंबर में निकाल चुके हो निकालोगे बर्डन। तो ये जो है किसके लिए सॉफ्ट रॉक के लिए ये जो है अपने को 30 इंटू डाया होती है, अगर 30 इंटू डाया करते हैं तो आपकी डाया अभी निकली थी 250, तो 30 इंटू 250 अगर करते हो तो 25 तिया 75 होता है, यानी कि ये 75 पर जो है 00 होंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको जो है ये एमएम में आएगी, मीटर में कन्वर्ट करो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 7.5 मीटर हो जाएगी बर्डन। ठीक उसी तरीके से ये जो सॉफ्ट रॉक हो गई उसके लिए हो गई, सॉफ्ट रॉक या कोल के लिए हो गई। अब यहां पर हम लोग जब सॉफ्ट रॉक के जगह पे मीडियम हार्ड रॉक की जब बात करते हैं तो उसमें आप जो है 25 से गुना करते हैं, 25 इंटू डाया डेप्थ अप्रॉक्स, एग्जैक्ट नहीं, अप्रॉक्स जो है डिपेंड करती है हार्डनेस जो है उसके, इसके अलावा और कई फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। तो आप यहां पर जो डायमीटर आप कह चुके हो कि 250 है, आपने 250 डिसाइड किया है तो 250 इंटू 25 अगर करेंगे तो 25 में 625 होता है, यानी कि 6.25 मीटर का आप बर्डन रखोगे। ये हो गए मीडियम हार्ड रॉक के लिए। अब अगर आप हार्ड रॉक की बात करते हो तो ये जो है 20 इंटू डायमीटर होता है, जिसको आप 20 से अगर जो आप 250 mm निकाल लेते हो उसको करोगे तो 25 × 50 यानी कि 5 मीटर आती है। तो इस तरीके से आप बर्डन जो है निकालते हो डायमीटर के रिस्पेक्ट में बर्डन निकालते हो। अब मैं इसको मिटा देता हूं, जहां तक है आपको समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखिए। अब जो है आपके सामने मैं बर्डन निकालने के बाद स्पेसिंग जो निकालते हो आप स्पेसिंग, तो उसके बारे में बता देता हूं कि स्पेसिंग जो निकलती है, कल शायद पिछले वीडियो में भी बताया हूं कि जो बर्डन होती है इसको अगर डी कह दें तो बर्डन इनटू जो होगी वो 1.25 टू 1.5 के बीच में हम लोग वो करते हैं, स्पेसिंग को लेते हैं। और ये जो है अगर बर्डन आप अब यहाँ पर 5 मीटर निकाले हो तो 5 × 1.25 करोगे तो ये जो है 5×25 के 5 हाथ में 2, 5×2 10, 2×12 के 2 हाथ में 1, 5×5 = 6, तो ये जो है 6.25 मीटर स्पेसिंग आ गई। और स्पेसिंग क्या होता है, बर्डन क्या होता है, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, तो ये स्पेसिंग आप लोग जान लिया। तो इस तरीके से जो स्पेसिंग है बर्डन है वो आप निकालते हो। मैं यहां पर फिर से आ रहा हूं
और नेक्स्ट जो स्क्रीन है उसको शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर करके आपको मैं बताता हूँ कि क्या जो है और टर्मिनोलॉजी आपके एनसीएल के एग्जाम में पूछी जाएगी और उसका आप आंसर दे सकते हो मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो यूट्यूब चैनल है उसका कंटिन्यूअस स्टडी करके। तो यहाँ पर आपके सामने डिस्पेसिंग तक जो है बैंक विथ बता दिया था और साथ ही जो है आप जो है ये जो सामने में दिखाई दे रही है, ठीक है फ्रेंड्स, ये जो सामने में दिखाई दे रही है इसको आप क्लिक करके जो पिछली वीडियो है उसको फिर से आप स्टडी कर सकते हो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में तो आपको ये शेयर तो हो ही गई होगी और वीडियो में आप जो ओपन कास्ट मैं इस तरीके से टर्म्स जो यूज होती है उसके संबंध में हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो टर्मिनोलॉजी का डेफिनेशन और वो कहाँ यूज होती है वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो आपको तो इस तरीके का जो आप वीडियो है वो आप बड़ा करके माइंड का डेफिनेशन आप बड़ा करके भी जो है पिछले वीडियो का स्टडी कर सकते हो। सेक्शन 2 के तहत डेफिनेशन में दी हुई है, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसा क्वारी या एक्सकवेशन जहां से मिनरल की सर्चिंग या ऑप्टिक। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा तो ये आपने देखा कि किस तरीके से आप जो है वो लिंक के थ्रू भी आप स्टडी कर सकते हो। फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूं, देखिए आपके सामने लिखी हुई है माइन बाउंड्री ऑफ ओपन कास्ट माइन। तो माइन बाउंड्री ऑफ ओपन कास्ट माइन क्या होती है फ्रेंड्स, इस संबंध में प्रश्न भी पूछा हुआ है कि हर मैनेजर इस संबंध में जो कोल माइंस रेगुलेशन 122 का 2 नंबर क्या कहा है कि प्रत्येक मैनेजर अपने खान का माइन बाउंड्री निश्चित करेगा और डीजीएमएस चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के परमिशन के बिना सीएमआर 122 का जो 122 हुआ है माइन बाउंड्री ऑफ ओसीएम। तो प्रत्येक मैनेजर जो है एमजीआर, मैनेजर को शॉर्टकट में एमजीआर बोलेंगे, प्रत्येक मैनेजर अपने खदान की माइन बाउंड्री निश्चित करेंगे। जैसे कि ये आपकी ये मेरी माइन बाउंड्री है ना, फर्स्ट मैनेजर की माइन बाउंड्री है, तो ये जो है माइन बाउंड्री है। उसी तरह से दूसरे मैनेजर की ये जो है माइन बाउंड्री है एमजीआर। तो यहां पर जो माइन बाउंड्री निर्धारित की जाती है ये माइन बाउंड्री है। तो इसके जो 7.5 मीटर कहा जाता है 7.5 मीटर के अंदर जो अपने मैनेजर रहेंगे वो कोई वर्किंग नहीं कर सकते हैं। 7.5 मीटर के अंदर जो है कोई वर्किंग नहीं की जाएगी। तो यहां पर ये जो 7.5 मीटर है ये इनके लिए 7.5 मीटर यहां से यहां तक होगी और इनके लिए जो है 7.5 मीटर यहां से यहां तक होगी। तो इस तरह से 7.5 मीटर की जो माइन बाउंड्री की थिकनेस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 15 मीटर हो जाएगी। तो माइन बाउंड्री अगर ये वाली है तो इसका 7.5 मीटर के अंदर ये वाली मैनेजर अपने एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते और ये वाली मैनेजर भी जो है अपने इस जो माइन बाउंड्री है वो 7.5 मीटर का रिस्ट्रिक्शन रखेंगे। तो इस तरीके से जो मोटाई हो जाएगी माइन बाउंड्री की 7.5 मीटर। अगर ये मैनेजर कहते हैं, मैं दूसरे केस पैदा करता हूं कि ये मैनेजर कहते हैं, दूसरा केस पैदा कर रहा हूं कि ये मैनेजर कहते हैं कि नहीं जो माइन बाउंड्री है ये जो थी आपकी पहले वाली ये नहीं ये वाली है तो फिर इस केस में ये मैनेजर को इसको क्लेम्ड बाउंड्री बोलते हैं। ये जो है क्लेम कर रहे हैं कौन, बगल वाली मैनेजर, तो ये जो है क्लेम्ड बाउंड्री। तो ये मैनेजर यहां तक क्लेम कर रहे हैं तो ये मैनेजर को इसके 7.5 मीटर के अंदर 7.5 मीटर के अंदर उनको कोई वर्किंग नहीं करनी है। तो ये 7.5 मीटर बचाते हुए ही अपना वर्किंग वो करेंगे। तो यहां से यहां तक का 7.5 मीटर और ये जो इनकी जो 7.5 मीटर ये मिल करके जो है वो बनाएंगे 15 मीटर का थिकनेस। तो इस संबंध में प्रश्न पूछा हुआ है जो कि आपकी क्लेम्ड बाउंड्री और माइन बाउंड्री के संबंध में 122 में बताई गई है फ्रेंड्स। तो आपको ये स्क्रीन में दिखाई दे रही होगी।
प्रश्न क्या है उसको पढ़ लेते हैं प्रण, जो पिछले जो एनसीएल के एग्जाम में पूछी गई है। इन केस ऑफ ओपन कास्ट वर्किंग नो वर्किंग सेल बी मेड विद इन व्हाट डिस्टेंस ऑफ बाउंड्री ऑफ द माइन। तो यहां पर आप देख चुके हैं कि एबीसीडी में आप आंसर डी को टिक लगाइएगा और आगे बढ़िएगा फ्रेंड्स। उसी तरह से सीएमआर 196 का 2 का बी डेंजर जोन में पूछा गया, जिसके संबंध में मैं बता चुका हूं डेंजर जोन। तो इसमें प्रश्न पूछा है कि डेंजर जोन इन केस ऑफ ओपन कास्ट माइन केप्ट एज ए नंबर रेडियस ऑफ 300 मीटर प्लेस ऑफ फायरिंग, तो यहां पर बी नंबर 500 मीटर दी हुई है। तो आंसर डी को आप आंसर बी को टिक लगा के आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए यहां पर बेंच फेल्यूअर एंड डंप फेल्यूअर जो संबंध जिसके संबंध में रेगुलेशन 108 स्पॉइल डंप यानी जो डंपिंग आप करते हैं 108 का 8 में बताया गया है बेंच फेल्यूअर और डंप फेल्यूअर का, बेंच फेल्यूअर का 106 में जिसकी स्टेबिलिटी की हम लोग जांच करते हैं। तो वेज फेल्यूअर अकर्स व्हेन, वेज फेल्यूअर कब अकर होती है, इसकी फिगर के लिए आपको पन्ना यानी कि पीटीओ में लिखा हूं फॉर फिगर पीटीओ, पीटीओ को यानी कि इस नेक्स्ट पेज में आना होगा, फिगर हम लोग देखेंगे। लेकिन यहां पर वेज फेल्यूअर क्या होती है जिसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है रॉक मास स्लाइड डाउन इन स्लोप अलोंग डिसकंटिन्यूटीज सच एज बेडिंग प्लेन और ड्यू टू वेरियस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। तो यहां पर ए नंबर रॉक मास स्लाइड डाउन इन ओपन इन स्लोप अलोंग डिसकंटिन्यूटीज, डिसकंटिन्यूटीज के अलोंग में जो स्लोप स्लाइड डाउन होती है वो जो कि सच है डिसकंटिन्यूटी में एक एग्जांपल दिया है बेडिंग प्लेन। तो बेडिंग प्लेन के अलोंग में जो स्लाइड डाउन होती है स्लोप उसी को हम लोग क्या कहते हैं वेज फेल्यूअर। तो ये ऑप्शन ए का मतलब समझा आपने। ऑप्शन बी का मतलब वैसे मैं यहीं पर बता दूं कि ये जो है मैं लिख दिया हूं बगल में प्लेनर फेल्यूअर बोला जाता है इसको। क्या कहा जाता है, जब डिसकंटिन्यूटी जैसे बेडिंग प्लेन डिसकंटिन्यूटी एक फॉल्ट की तरह बिहेव किया जाता है, जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस की तरह बिहेव किया जाता है, तो बेडिंग प्लेन के अलोंग जब हमारी बेंच का स्लोप है वो स्लाइड डाउन हो जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, प्लेनर फेल्यूअर। अब यहां पर आएंगे रॉक मास बी नंबर ऑप्शन में क्या कहता है, रॉक मास हैविंग टू आर मोर सेट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज हुज लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आर परपेंडिकुलर टू स्ट्राइक ऑफ स्लोप। तो यहां पर रॉक मास हैविंग टू आर मोर सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, दो या दो से अधिक सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज जो होते हैं वो अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके कारण से जब वो फेल्यूअर होती है जो कि स्ट्राइक के परपेंडिकुलर होती है ये जो इंटरसेक्टिंग डिसकंटिन्यूटीज होती है तो उसके कारण जो फेल्यूअर होती है उसी को ही हम लोग वेज फेल्यूअर कहते हैं, जिसके बारे में मैं यहां लिख चुका हूं। अब देखिए यहां पर कॉलम ऑफ रॉक फॉर्म्ड बाय स्टीपली डिपिंग डिसकंटिन्यू, जब आती है वर्ड आपके सामने स्टीपली डिपिंग डिसकंटिन्यूटीज तो स्टीपली डिसकंटिन्यू जैसे ही आती है तो उसको आप टॉफलिंग फेल्यूअर बोलिएगा, और उसके कारण से जब अगर स्लो फेल होती है तो। अब फेल्यूअर सरफेस इन रॉक मास में सर्कुलर और सेमी सर्कुलर अगर होती है तो उसको सर्कुलर फेल्यूअर कहते हैं। यहां पर डिसकंटिन्यूटीज का डेफिनेशन बताया हूं और यहां पर वेज फेल्यूअर का बताया हूं। मैं नेक्स्ट पेज में आता हूं और ये पिक्चर दिखाता हूं, इस पिक्चर की स्टडी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलते हैं।